हे गाइस, व्हाट्स अप। आज हम करेंगे क्विक डिस्कशन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अक्टूबर मंथ 2019 का। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप, मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है जैसा कि आपको शो कर सकूं कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं या फिर जो भी लिखना चाहता हूं एक्स्ट्रा जो भी आर्टिकल के अलावा। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने पास पेन रख सकते हैं, आर्टिकल्स को नोट कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन लगे तो आप उसको नोट कीजिए, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली प्रीलिम्स 2020। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल जो है ये पूरा कवर नहीं हो पाया यहाँ पे, प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया। तो देखिए, 82% रूरल जो हाउस होल्ड है इंडिया में, वहाँ पे इंडिविजुअली पाइप वाटर सप्लाई नहीं है, और 70% इंडिया का जो सरफेस वाटर है वो कंटेमिनेट हो चुका है। अब देखिए, एक डबलिन प्रिंसिपल भी है, वो अडॉप्ट किया गया था, एक वाटर पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वाटर और एनवायरनमेंट के ऊपर डबलिन आयरलैंड में, तो उसे ही डबलिन प्रिंसिपल कहा गया 1992। और देखिए, वाटर जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट में, कई बार बात होती है कि वाटर को कंकरेंट लिस्ट में कर दिया जाना चाहिए स्टेट लिस्ट से, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। वैसे देखिए, अगर इंटर वाटर जो रिवर डिस्प्यूट होते हैं ये सब, तो ये यूनियन लिस्ट में आते हैं, और वैसे वाटर की अगर बात करें हम तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल की देखिए बात करें तो कार्बन प्राइसिंग है। तो कार्बन प्राइसिंग जो होता है ना, ये देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, कैप्चर द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए प्राइस ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड। ठीक है गाइज, ETS सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं, इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, और अगर फिर भी आपको थोड़ा सा नहीं पता है तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने सब बता चुका है, जो पहले के जो वीडियो हैं उनमें कवर हो चुका है। कार्बन टैक्स के बारे में आपको पता है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं सीड बिल 2019 के बारे में। तो देखिए, सीड जो मार्केट है ना इंडिया का, वो $4.1 बिलियन 2008 का जो डाटा है वो है। और देखिए, सीड्स को हमारे देश में इंडिया सीड प्रोग्राम है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सीड की 3 वेराइटी होती है, एक ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है, सर्टिफाइड सीड। तो देखिए, ब्रीडर जो सीड होते हैं ना, उनको प्रोड्यूस किए जाते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और सर्टिफाइड जो सीड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट। और देखिए, क्वालिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड को रेगुलेट करता है सीड एक्ट 1966, और फाउंडेशन सीड जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो गया, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट सीड कॉरपोरेशन एंड प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए, इसी आर्टिकल में अगर हम बात करें तो जो 2019 के जो की फीचर थे इस सीड बिल के, उसमें इतना कुछ तो है नहीं जानने का, लेकिन बस थोड़ा सा है, डिस्कस करते हैं हम कि जो ड्राफ्ट किया गया सीड बिल, उसका एम था टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सीड फॉर सेल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड रिप्लेस करेगा सीड एक्ट 1966 को, और ऑल वेराइटी ऑफ सीड फॉर सेल हैव टू रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सभी वेराइटी जो सीड्स की होती हैं, और जो ट्रांसजेनिक वैरायटी होती है, मतलब DNA को रिप्लेस करके दूसरा कोई नया सीड ऐसे उसके DNA के साथ छेड़छाड़ करके नया वैरायटी अगर बनाई जाती है, तो वो जो सीड होते हैं ना वो रजिस्टर्ड होंगे और उनको मतलब यूज कर सकते हो जब आपको क्लियरेंस मिले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। ठीक है गाइज, और मैंडेटरी सर्टिफिकेशन किया गया है, और द बिल एग्जेम्प्ट फार्मर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है गाइज, और फार्मर्स कैन नॉट सेल एनी सीड अंडर ए ब्रांड नेम, नहीं सेल कर सकते, और अगर कुछ गलत करते हैं फार्मर्स इसके साथ, तो मतलब इस एक्ट में जो दिया है उसके अलावा अगर कुछ गलत करते हैं तो पेनल्टी का भी प्रावधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल टू एसेस स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन। देखिए, स्नो लियोपर्ड जो है ना ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN का, और 1972 जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके Schedule 1 में आता है। और दूसरी बात ये है कि रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसने रिलीज़ किया स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। ठीक है गाइज, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो एक ग्लोबल स्नो लियोपर्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम भी है, जो 12 जो स्नो लियोपर्ड जो कंट्रीज हैं, रेंज कंट्रीज है स्नो लियोपर्ड की, तो उसमें वो चलाया जाता है, जैसे कि नेपाल हो गया, इंडिया, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रसिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, एक दो हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, जो मित्र देश हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए, स्नो लियोपर्ड के अलावा अगर हम बात करें जो कंजर्वेशन एफर्ट्स अगर इंडिया ने लगाए हैं, तो एक है सिक्योर हिमालय की बात करते हैं हम।
ठीक है। सिक्योर हिमालय क्या है, कंजर्वेशन प्रोग्राम है लोकली और ग्लोबली, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। और इसको जो फंड किया गया है वो ग्लोबल जो एनवायरनमेंट फैसिलिटी होता है और एक UNDP दोनों ने मिलकर किया है। नेक्स्ट देखिए गाइज, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और सिटीज़, क्लाइमेट चेंज, साइक्लोन्स, अरेबियंसी। तो देखिए पहला जो इसमें है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी का कोई नया नहीं है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रेनेबल एनर्जी जो है उसने कुछ गाइडलाइंस रिलीज की है। तो देखिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगर मिशन प्लान 2020 की अगर हम बात करें तो देखिए 2020 की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो है मिशन डॉक्यूमेंट्स वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइजेज उन्होंने एक प्रोवाइड किया, मतलब दे प्रोवाइडिंग ए विजन एंड रोड मैप फॉर फास्टर अडोप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है गाइज। तो देखिए 2015 में एक स्कीम हुई थी फैम इंडिया। तो फैम इंडिया का मतलब क्या होता है, फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, 2005 में लॉन्च की। एक फैम सेकंड मतलब उसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया 2019 के मार्च में, ठीक है, 3 साल के पीरियड के लिए। वो क्या करेगा, वो भी इंकरेज करेगा फास्टर अडोप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ठीक है गाइज। और दूसरी अगर बात करें तो देखिए GST इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो है उसको कम रखा गया है 12% के आसपास, और दूसरे जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं उनके ऊपर 28% GST रेट भी होता है जिसमें सेस 22% तक किया जाता है। तो आपको कुछ भी प्रीलिम्स रिलेटेड इसमें नहीं है इस आर्टिकल में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिटीज़ एंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो देखिए सिटीज़ एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो रिसेंटली एक रिपोर्ट था जिसको C40 क्लीन एयर सिटीज़ डिक्लेरेशन भी कहा गया, जिसको आप बोल सकते हो C40 वर्ल्ड मेयर समिट। कहाँ पे हुआ, कोपेनहेगन, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है ये, डेनमार्क में है। और C40 समिट की अगर बात करें तो ये एक नेटवर्क है वर्ल्ड की मेगा सिटीज़ का, 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल आप नोट कर सकते हो, मेरे पास तो यहाँ पे डिजिटल पेन नहीं है जो आपको शो करूँ, आप नोट कर सकते हो इन चीज़ को। और देखिए इंडिया के जो 6 मेजर सिटीज़ हैं मेंबर जो उस इसके हैं C40 के, वो आप नोट कर लीजिए, बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली है, जयपुर, कोलकाता एंड मुंबई है, जो हमारे महानगर हैं, ठीक है गाइज। और अगर इसकी बात करें ये जो C40 जो है ना डिक्लेरेशन, ये एक बार आता है 3 साल में, मतलब वंस एवरी 3 ईयर्स ये जो डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइक्लोन अरेबियन सी की बात करते हैं, देखिए कोई भी साइक्लोन जब आता है ना तो उसको टेम्परेचर, एक तो लार्ज सी सरफेस एरिया चाहिए होता है, और जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना वो 27 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और कोरियोलिस जो फोर्स होता है उसका प्रेजेंस होना चाहिए। और अगर पहले से वहाँ पे वीक लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर है, तो ये फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है गाइस। और जैसे साइक्लोन एक कयार भी बोल सकते हो आप, यार भी बोल सकते हो, जैसे KYARR, ठीक है, ये साइक्लोन आया था। दूसरा साइक्लोन महा आया था अरेबियन सी में, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं साइक्लोन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या कुछ है। तो आप थोड़ा सा ज्योग्राफी का पोर्शन करेंगे, NCERT इजीली कवर होगा, कोई नो नीड टू वरी। एक अल नीनो मोडोकी है, MODOKI, अल नीनो मोडोकी। तो ये क्या है, ये एक वार्मिंग है सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में, और कूलिंग कहाँ पे है, ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट। तो आई थिंक ये हम इस टॉपिक को बाद में बात करेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट जो है ना उसमें कुछ इतना मतलब नहीं है जो हमें जानना और ये सब है, क्योंकि देखिए रिसेंटली जो मिजोरम गवर्नमेंट है ना उसने रिजेक्ट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था अमेंडमेंट, तो उसने रिजेक्ट कर दिया 1927 का जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कुछ अमेंड करने को कहा था इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और देखिए दूसरी अगर बात करें इसकी तो इसमें इंक्रीज फोकस टू कंजर्वेशन इनरिचमेंट एंड मैनेजमेंट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है गाइज। और अगर थर्डली हम बात करें तो देखिए इसमें एक इस जो अमेंडमेंट एक्ट था इसमें एक नई चीज़ प्रोडक्शन फॉरेस्ट किया, जिसमें क्या करेंगे कि स्पेशल मतलब जंगल ऐसे होंगे जहाँ पे स्पेशल प्रोडक्शन करेंगे हम किसी भी फॉरेस्ट्री का या ऐसी चीज़ों का, तो उसको क्या कहा गया, ए न्यू कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट में ऐड किया गया, ठीक है गाइज। और अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आर्कटिक क्लाइमेट एक्सपेडिशन की बात करें, तो देखिए आर्कटिक क्लाइमेट एक्सपेडिशन ये कुछ भी ऐसा नहीं है, आप एक टर्म लिख नोट कर सकते हो, MOS
AIC मोजाइक बोल सकते हो इसको। तो ये एक एक्सपेडिशन, एक अभियान है ये, ठीक है। और हमारे इंडिया का ओनली इंडियन है जो है वो है, एक मिनट गाइस, जो ओनली इंडियन जो बंदा है विष्णु नंदन, जिस जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और ये एक जर्मन वेसल के ऊपर, जर्मन वेसल, उसका नाम है पोलर स्टर्न, ठीक है, POLARSTERN, पोलर स्टर्न। तो आप इसको नोट कर सकते हो कि पोलर स्टर्न क्या है, एक जर्मन रिसर्च वेसल है, ठीक है। और लार्जेस्ट एवर आर्कटिक, ऐसा पहला, मतलब आर्कटिक जो एरिया है वहाँ पे ये पहला ऐसा लार्जेस्ट अभियान है वहाँ पे। और फर्स्ट टू कंडक्ट स्टडी ऑफ नॉर्थ पोल फॉर एंटायर ईयर, पहला ऐसा है ये। और स्टडी करेगा ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स की, टेम्परेचर हो गया, आप एटमोसफेयर के बारे में, वहाँ के बारे में स्टडी करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ग्रीन क्रैकर्स के बारे में, तो देखिए ग्रीन क्रैकर्स जो बहुत न्यूज़ में रहा था, ये डेवलप किए गए CSIR के द्वारा, और दे हैव केमिकल फॉर्मेशन दैट प्रोड्यूसेस वाटर मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। और जो वाटर मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे वो फिर क्या करेंगे, वो वाटर मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे तो वो डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर, देखिए 30 से 35% के आसपास रिडक्शन आएगा इसमें पार्टिकुलेट मैटर्स का, और 25 और 30% चीपर होंगे इनको मैन्युफैक्चर अगर हम करेंगे, तो ये 25 से 30% तक चीप रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं फ्लाई ऐश के बारे में। आप सभी को आई थिंक पता है फ्लाई ऐश के बारे में, लेकिन फिर भी देखिए फ्लाई ऐश कोल कम्बशन प्रोडक्ट होता है एक, और इसमें क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, एलुमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसका यूज कैसे करते हैं हम, जैसे सीमेंट में भी यूज करते हैं, सॉफ्ट सॉइल में भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारी जगह इसका यूज करते हैं, तो आप इस थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, वैसे आप सभी को आई थिंक पता है। और एक GRP है, बहुत इंपॉर्टेंट है GRP, जिसको बोलते हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। देखिए ऐसे प्लान, इनको अप्रूवल मिली थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में, ठीक है। और ये क्या वर्क करता है, ये जो प्लान है ये ओनली इमरजेंसी मेजर में बात करता है, जैसे कि दिल्ली की एयर क्वालिटी या कहीं भी कुछ गलत हो जाता है, बिल्कुल खराब क्वालिटी, इमरजेंसी टाइप सिचुएशन होती है, तो ये कुछ प्लान्स लेकर आते हैं कि ऐसे ऐसे अब स्टेप लेने हैं, तो उसी के ऊपर ये बात करता है, और कुछ भी ऐसा नया नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करते हैं, देखिए ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, तो देखिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे ग्रीन वॉल क्रिएट की जाएगी, और ये 1400 किलोमीटर के आसपास लंबी होगी, और 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट होगा, ठीक है, जो गुजरात से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को कवर करेगा। और ये क्या रिस्टोर करेगा, 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाई 2030, ये टारगेट है, और ये कवर करेगा एंटायर अरावली को और उसके बियॉन्ड भी। तो ये पॉइंट सारे आप नोट कर सकते हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, द हिंदू के एंटायर आर्टिकल एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड कवर हो रहे हैं, इनसाइट विजन, कोई चिंता की बात नहीं करनी, चिंता नहीं करना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट के बारे में, तो देखिए ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज किया गया, सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल इनिशिएटिव, जिसको SUM फॉर ऑल भी बोला जाता है, और इसको लॉन्च किया गया 2017 में टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं एंड ट्रांसफॉर्म द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है UNEP कोलंबो डिक्लेरेशन। देखिए UNEP जो मेंबर स्टेट्स है ना, रिसेंटली उन्होंने अडोप्ट किया कोलंबो डिक्लेरेशन, और ये क्या है, ये टैकल करेगा ग्लोबल नाइट्रोजन चैलेंज को। देखिए नाइट्रोजन आपको पता है इनर्ट गैस होता है, और ओवर 80% के आसपास नाइट्रोजन जो सॉइल में होता है वो नॉट यूटिलाइज बाय ह्यूमंस, ठीक है गाइस। और देखिए नाइट्रोजन से आपको आई थिंक ध्यान में आ गया होगा कि हमारे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में स्टेट पोर्शन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल है, बिल्कुल आप याद रखिए, नाइट्रोजन सल्फर ये जो भी साइकिल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इसी आर्टिकल में हम बात करें तो ये डेवलप किया गया इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम, ज्वाइंट एक्टिविटी ऑफ UNEP एंड इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं, देखिए हिंदू कुश हिमालयन रीजन। तो देखिए हिंदू कुश हिमालयन रीजन ये न्यूज़ में रहा था द हिंदू में, इसका दूसरा नाम, इसको थर्ड पोल भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आइस है, बर्फ़ है, वो बहुत ज़्यादा टाइप में, मतलब टेम्परेचर ऐसा ही रहता है यहाँ पे जैसा हमारे पोल पे होता है, इसीलिए इसको थर्ड पोल कहा गया। तो देखिए यहाँ पे जो है ना एरिया 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो कंट्रीज़ हैं जो कवर होते हैं हिंदू कुश हिमालयन
हिमालयन रीजन में अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान, आप याद रख सकते हैं ये रीजन जो कवर्ड करता है इन कंट्रीज को। और देखिए यहाँ प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया जिसको द थर्ड पोल एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी बोला जाता है, 2009 में लॉन्च किया गया था। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी अगर सजेशन है तो मेरे को आप मेल कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हैव ए